हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं सोया चिली चंक्स की रेसिपी। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो जाती है, खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी बड़े वाले सोया चंक्स, आप चाहे तो छोटे वाले भी ले सकते हैं। 3 शिमला मिर्च जिसको मैंने ऐसे बड़ा काट लिया है, 2 बड़ी प्याज जिसको मैंने सेम उसी तरीके से काट लिया है, हरी पत्ते वाले प्याज, हरा धनिया, 8 से 9 लहसुन की कलियाँ, 3 से 4 ग्रीन चिली, और मैं इसमें लूँगी ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, शेजवान चटनी ये ऑप्शनल है, टमाटो केचप और रेड चिली सॉस, 1 से 1.5 चम्मच मैदा, 2 चम्मच अरारोट इसको कॉर्नफ्लावर भी बोलते हैं, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में पानी लेंगे, पानी को हमें बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद जो सोया चंक्स हैं वो हम इसमें डाल देंगे, और मैं इसमें थोड़ा नमक भी डाल रही हूँ। नमक इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो सोया चंक्स हैं वो बाद में फीकी ना लगे। तो जैसे ही सोया चंक्स बॉईल हो जाएगी, तो देखिए बॉईल हो चुकी है ये, अब हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद हमें इसको पानी जो है इसमें से हमें निचोड़ के अलग कर देना है। तो जो सारी सोया चंक्स है उसमें से पानी मैंने पानी निचोड़ लिया है। अब हम एक बाउल में इसको डालेंगे। अब हम इस पर कोटिंग करेंगे मैदा 1 चम्मच, कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच, हम इसमें सोया सॉस डालेंगे 1 चम्मच, उसके बाद हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर। मैं इसमें सॉल्ट नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि वो मैंने बॉईल करते वक्त डाला था। इसको अच्छे से मिला लीजिए। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम तेल डालेंगे। इसमें हमें सोया चंक्स को फ्राई करना है। मैं एक सोया चंक्स डाल के देख लेती हूँ कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। तो तेल जो है वो गर्म हो चुका है, मैं बाकी सारी भी सोया चंक्स इसमें डाल दूँगी। इसको अच्छे से चलाते रहिए ताकि ये आपस में चिपके ना, और हमें गैस की फ्लेम हाई रखनी है, हाई फ्लेम में इसको फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए फ्राई हो चुकी है, इसको मैं अब निकाल लेती हूँ। सेम इसी तरीके से मैं बाकी बची सोया चंक्स को भी फ्राई कर लूँगी। चलाते रहिए ताकि आपस में चिपके ना। तो ये फ्राई हो चुकी है, इसको भी मैं अब निकाल लूँगी अलग से। तो देखिए सब फ्राई हो चुकी है। अब हम इसकी सॉस बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। सबसे पहले मैं कढ़ाई में तेल लूँगी, तेल बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ मैं। उसके बाद मैं इसमें चॉप्ड गार्लिक डाल दूँगी। गार्लिक को तेल में अच्छे से पकाना है। जब गार्लिक की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तब हमें इसमें हमारे शिमला मिर्ची और प्याज जो भी मैंने बड़े बड़े काटे थे वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो देखिए गार्लिक जो है वो पक चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें शिमला मिर्ची और प्याज डाल दूँगी। इसको हमें फ्राई करना है, लेकिन इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, क्रंची ही रखना है। तो देखिए फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दूँगी। ग्रीन चिली ऐड करने के बाद मैं इसमें जो सारी सॉसेस थी वो डाल दूँगी। शेजवान सॉस डाल दूँगी, ग्रीन चिली सॉस डाल दूँगी, विनेगर, टमाटो केचप और रेड चिली सॉस। इसको हम जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें डालूँगी मैं सोया सॉस। आप चाहे तो डार्क सोया सॉस भी ले सकते हैं, मैंने नॉर्मल सोया सॉस यूज़ की है। इसको अच्छे से मिला लीजिए। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर और नमक डाल दूँगी मैं इसमें स्वाद के अनुसार। मैंने थोड़ा सा नमक पहले भी डाला था, और सॉसेज में भी ऑलरेडी नमक होता है, तो मैं नमक थोड़ा कम ही डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिला लीजिए। ढक के हम इसको 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो देखिए अच्छे से जो है शिमला मिर्ची प्याज पक चुके हैं। अब हम इसकी ग्रेवी को थिक करेंगे। जो बचा हुआ अरारोट था उसमें मैं पानी मिलाऊँगी, अच्छे से मिक्स करके इसकी ग्रेवी को थिक कर दूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाएगी इसके बाद।
जो सॉस है वो बनके तैयार है। मैं इसमें सोया चंक्स ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से मिला लीजिए। कितना यमी और कितना टेस्टी लग रहा है देखने में और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। इसके बाद मैं इसमें हरे पत्ते वाली प्याज डाल दूंगी, ऊपर से हरा धनिया डाल दूंगी गार्निश के लिए। आप भी इसी तरीके से अपने घर में सोया चिली चंक्स की रेसिपी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, और आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। तो जल्दी ही मिलेंगे अगली नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।